नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 8 मई 2019 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। नजर डाल लेते हैं कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ जो आरोप लगे थे उन आरोपों के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्लीन चिट दे दी गई है। ये इशू हमने कल डिटेल से डिस्कस किया था, आज नहीं डिस्कस करेंगे, वही पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। नीचे ये आर्टिकल राजनीति से संबंधित है, नहीं इंपॉर्टेंट, नहीं डिस्कस करेंगे। और बीच में ये आर्टिकल भी राजनीति से संबंधित है, नहीं इंपॉर्टेंट। ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, माइग्रेंट्स के बारे में, इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। एनआरसी से संबंधित ये आर्टिकल है, इसे भी डिस्कस करेंगे। और काउंटर स्पेस एक्टिविटीज से संबंधित ये आर्टिकल है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। डब्ल्यूटीओ से संबंधित कुछ और भी मुझे डिस्कस करना था, परसों हमने डब्ल्यूटीओ के बारे में डिस्कस किया था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो ऑलमोस्ट 15-20 मिनट और भी डिस्कस करना है। कल परसों जैसे ही टाइम मिलता है वो हम डब्ल्यूटीओ से संबंधित डिस्कस करेंगे। और एक आर्टिकल आपको याद होगा, अरब स्प्रिंग का, पिछले हफ्ते की बात है, अरब स्प्रिंग का जो आर्टिकल है वो भी हमारा छूटा हुआ है, टाइम मिलते ही उसे भी हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल कोई भी नहीं छूटने देंगे, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस को अपडेट करने की प्रोसेस के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है आपको पता है, असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस को अपडेट करने की प्रोसेस चल रही है ताकि इलीगल माइग्रेंट्स की पहचान की जा सके। ये जो प्रोसेस है ना, अब डिसाइसिव फेज में पहुंच चुकी है। एक फाइनल ड्राफ्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और ऑलमोस्ट 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं पाया फाइनल ड्राफ्ट में, लेकिन उनको मौका दिया गया है। आप क्लेम कर सकते हो कि आपका नाम होना चाहिए फाइनल ड्राफ्ट में लेकिन किसी कारणवश से छूट गया है। तो ऑलमोस्ट देखो 40 लाख लोगों में से 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लेम किया है कि हमारा नाम होना चाहिए फाइनल ड्राफ्ट में, और 2,65,000 के आसपास चैलेंजेस भी आए हैं। चैलेंजेस मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नाम है फाइनल ड्राफ्ट में लेकिन कई सिटीजंस को लगता है कि उनका नाम नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया है कि इनका नाम फाइनल लिस्ट में क्यों है, ये इलीगल माइग्रेंट हैं। तो इसीलिए कहा जाता है एनआरसी को अपडेट करने की जो प्रोसेस है असम में वो डिसाइसिव फेज में पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई का समय दिया है अथॉरिटीज को कि आप इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर दीजिए 31 जुलाई से पहले पहले। इसके बाद देखो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया जाता है, बीजेपी का। बीजेपी के बड़े लीडर्स का कहना है इलीगल माइग्रेंट्स दीमक की तरह हैं जो हमारा अनाज खाते हैं, हमारी जॉब्स को खा जाते हैं, हमारे कल्चर को नष्ट कर देते हैं, ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स की पहचान करके उन्हें बाहर निकाला जाएगा, ऐसा बोलना है बीजेपी के बड़े लीडर्स का। ध्यान देने वाली बात देखो यहां पर यह है कि बीजेपी सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2016 का भी पुरजोर समर्थन करती है। अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 एक्ट बन जाता है तो हमारे पड़ोसी देश, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन होता है। अगर वो माइनॉरिटीज भाग के इंडिया में आ जाते हैं तो उनके लिए सिटीजनशिप लेना आसान हो जाएगा, उनको वापस डिपोर्ट भी नहीं किया जाएगा जहां से भागकर वो आए हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में माइनॉरिटी कौन है, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, लेकिन मुस्लिम नहीं है। आप दोनों चीजों को कंबाइन करके देखिए, एनआरसी को प्लस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को। एनआरसी किस लिए है, इलीगल माइग्रेंट्स की पहचान करके उनको वापस डिपोर्ट करने के लिए, लेकिन अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को देखिए कि हिंदू, सिख या फिर क्रिश्चियन जो भागकर आए हैं हमारे पड़ोसी देशों से उनको वापस डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो इफेक्टिवली दोनों को मिला के आप देखोगे तो सिर्फ यहां पर रिजल्ट यह निकलता है जो मुस्लिम इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको ही आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट किया जाएगा। अभी देखो 40 लाख में से 90% लोगों ने क्लेम तो किया है लेकिन कोई नहीं जानता कितने लोगों का क्लेम एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये उठ जाता है कि जिन लोगों का क्लेम फिर से रिजेक्ट हो जाएगा उनके साथ क्या होगा। कहा यह जा रहा है फिलहाल कि उनको एक और मौका दिया जाएगा, काफी सारे फॉरेन ट्रिब्यूनल्स का गठन किया जाएगा और उन फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में अपील की जा सकती है उन लोगों के द्वारा जिनको इलीगल माइग्रेंट के तौर पे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। और अब यह क्वेश्चन उठ जाता है कि अगर फॉरेन ट्रिब्यूनल ने भी अपील को ठुकरा दिया तो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद देखो उन लोगों को डिटेंशन कैंप में डिटेन किया जाएगा। देखो डिपोर्ट करना इतना आसान नहीं है, डिपोर्ट तभी किया जा सकता है जब वो देश जहां से इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं वो एक्सेप्ट कर लेता है इलीगल माइग्रेंट्स को।
लेकिन बांग्लादेश तो मानता ही नहीं कि ये लोग इलीगल माइग्रेंट्स हैं, तो बांग्लादेश एक्सेप्ट करेगा नहीं। जब तक बांग्लादेश एक्सेप्ट नहीं करेगा उन्हें डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो उन्हें कहां रखना पड़ेगा? उन्हें डिटेंशन कैंप में रखना पड़ेगा। देखो 2015 से अभी तक 46,000 यानी 46,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है कि वो फॉरनर हैं, वो इंडिया के नहीं हैं। इन 46,000 में से सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों को डिपोर्ट किया गया है वापस। समझ गए? फिर से बोलता हूं, 46,000 लोगों को 2015 से अभी तक एज ए फॉरनर आइडेंटिफाई किया गया है। 46,000 में से सिर्फ 4 लोगों को वापस भेजा गया है जहां से वो आए हैं, और 46,000 में से 2,000 लोगों को रखा गया है डिटेंशन कैंप में। क्योंकि जब तक देखो इलीगल माइग्रेंट को वापस डिपोर्ट नहीं किया जा सकता जहां से वो आए हैं, तब तक उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाता है। और 46,000 लोगों में से 44,000 लोगों को तो पता ही नहीं है कि अभी वो कहां है, सरकार को भी नहीं पता कि वो कहां है फिलहाल। और देखो 2,000 लोग जो फिलहाल डिटेंशन कैंप में हैं, उनके लिए कोर्ट्स ने भी कहा है काफी बार कि भैया उनको ठीक से ट्रीट कर लो, क्या उनको आपने डिटेंशन कैंप में बंद करके रखा है। जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो भी कहते हैं ह्यूमन ट्रीटमेंट होनी चाहिए उन लोगों की जिनको डिटेंशन कैंप में रखा हुआ है। उनको आप रिफ्यूजी स्टेटस दे दो, उनको वर्क परमिट दे दो, या फिर श्योरिटीज़ के बेसिस पे उनको रिलीज कर दो, कुछ एंकलेट्स ब्रेसलेट्स उनको पहना दो। काफ़ी तरह के सजेशंस दिए गए हैं, लेकिन उन सजेशंस को माना नहीं गया है, सरकार के द्वारा डिसमिस कर दिया गया है। अभी भी 2,000 के आसपास जो लोग हैं वो डिटेंशन कैंप में हैं। आप एक बात बताइए, 2,000 लोगों को डिटेंशन कैंप में रखना मुश्किल हो रहा है, जब एनआरसी को अपडेट करने की पूरी प्रोसेस असम में खत्म हो जाएगी। मान लीजिए 10,00,000 लोगों को एज ए फॉरनर आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, तो क्या 10,00,000 लोगों को डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा? क्योंकि डिपोर्ट करना तो आसान है नहीं। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठता है वो यही उठता है कि एंड गेम क्या है, मतलब फाइनली होगा क्या जब ये पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। इसके अलावा देखो असम के काफी सारे लोकल सेक्शंस ऐसे हैं जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 का भी काफी एग्रेसिवली विरोध कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि ऑफिशियल्स जो हैं असम सरकार के, वो पिछले 3 साल से काफी अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी प्रोसेस फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है, एक एक डॉक्यूमेंट को काफी बारीकी से खंगाला गया है ये पता लगाने के लिए कौन इलीगल माइग्रेंट है कौन नहीं है। लेकिन अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 पास हो जाता है तो सिर्फ मुस्लिम इलीगल माइग्रेंट्स को बाहर भेजा जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा या फिर डिटेन किया जाएगा, लेकिन हिंदू या फिर दूसरी कम्युनिटी के माइग्रेंट्स को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो लोकल सेक्शंस का कहना है कि देखो इलीगल माइग्रेंट तो इलीगल माइग्रेंट है, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं कि आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 मत पास कीजिए। ये बिल अगर पास हो जाता है तो हिंदू जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट नहीं किया जा सकेगा। काफी विरोध हो रहा है असम समेत नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 का। नेक्स्ट पॉइंट देखो ये है, बीजेपी पार्टी का स्टैंड ये भी है, जैसे असम में एनआरसी को अपडेट किया गया है, देश के दूसरे राज्यों में भी एनआरसी को अपडेट किया जाएगा ताकि इलीगल माइग्रेंट्स की पहचान की जा सके। राइटर के द्वारा कहा जाता है, देखो असम में ये एक इमोशनल इशू था, काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ था 1985 से पहले, और 1985 में फाइनली असम एकॉर्ड्स हुआ था, उसी के तहत ये पूरा एनआरसी को अपडेट किया गया है। लेकिन दूसरे राज्यों में ना तो इतने इलीगल माइग्रेंट्स हैं और ना ही ये इतना ज़्यादा इमोशनल इशू है, तो दूसरे राज्यों में एनआरसी को अपडेट करने की जो मांग है वो उतनी ज़्यादा उग्र नहीं है। लास्ट में कंक्लूजन में ये बोला जाता है, देखो बहुत से गरीब लोग, वल्नरेबल सेक्शंस के लोग, डिसएडवांटेज सेक्शंस के लोग जो डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन नहीं करते, तो वो लोग जो हैं वो इंडिया के ही नागरिक हैं लेकिन उनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आएगा। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, सोशल कॉस्ट भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। सबसे बड़ी आर्नी ये है कि आज़ादी के ऑलमोस्ट 72 सालों बाद भारतीयों को कहा जाता है कि आप अपनी भारतीयता प्रूव कीजिए, मतलब आप प्रूव कीजिए कि आप इंडियन हो, डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। ये तो बहुत ज़्यादा देखो हॉरिफिक है, अनडेमोक्रेटिक है। असम के अलावा बाकी राज्यों में एनआरसी को अपडेट करने की प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले इस विचार पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, इसके परिणाम क्या निकल सकते हैं और इससे सोशल फैब्रिक पर क्या असर होगा, सोशल कॉस्ट इसकी क्या होगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एनआरसी के बारे में, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल काउंटर स्पेस एक्टिविटीज़ के बारे में है, आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट क्या है,
27 मार्च को हमने मिशन शक्ति को अंजाम दिया, मतलब हमने सफल एक्सपेरिमेंट किया एंटी सैटेलाइट वेपन का। कहा गया कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ऐसा करके हम एक एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो ये बात सच है कि इस प्रकार की कैपेबिलिटी फिलहाल यूएस के पास है, रशिया के पास है और चाइना के पास भी है, लेकिन बहुत से देश ऐसे हैं जिनके पास इस प्रकार की कैपेबिलिटी हासिल करने की ताकत है, क्षमता है, लेकिन वो ये कैपेबिलिटी हासिल नहीं करना चाहते क्योंकि ये कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि स्पेस में दूसरी एक्टिविटीज़ पर फोकस किया जा रहा है ज़्यादातर बड़े देशों के द्वारा, और उन एक्टिविटीज़ को नाम दिया गया है काउंटर स्पेस एक्टिविटीज़ हैं। अर्थ से देखो, मान लीजिए ये अर्थ है, ये मान लीजिए आप 600 किलोमीटर का ऑर्बिट है, मतलब 600 किलोमीटर की हाइट पर ऑर्बिट है, और ये आप मान लीजिए 36,000 किलोमीटर की हाइट का ऑर्बिट है। 600 किलोमीटर की हाइट से लेकर 36,000 किलोमीटर के बीच जो ये जगह है ना, यहां पे असली खेल होता है। यहां पे बहुत सारी काउंटर स्पेस एक्टिविटीज का टेस्ट किया जा रहा है बड़े देशों के द्वारा। जैसे देखो यूएस, रशिया, चाइना, इन देशों के पास ऐसी कैपेबिलिटी है, मान लीजिए ये यूएस का सैटेलाइट है और ये चाइना का सैटेलाइट है, तो चाइना अपने सैटेलाइट को बहुत ज़्यादा नज़दीक ला सकती है यूएस के सैटेलाइट के, बहुत ज़्यादा नज़दीक। और ये भी पॉसिबल अब हो गया है कि चाइना के सैटेलाइट से रोबोटिक आर्म्स निकलेंगी, मतलब मशीनी हाथ, जो कि यूएस के सैटेलाइट को पुश कर देंगी, मतलब धक्का दे देंगी। इसके अलावा देखो, ऐसी कैपेबिलिटी भी बड़े देशों के द्वारा डेवलप की कर ली गई है कि मान लीजिए ये एक सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है अर्थ के चारों ओर 1,000 किलोमीटर की हाइट पर ऑर्बिट में, तो इस सैटेलाइट से एक बेबी सैटेलाइट निकलेगा, वो भी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाना स्टार्ट कर देगा। समझ गए, मतलब कितनी कितनी कैपेबिलिटी बड़े देशों के द्वारा डेवलप कर ली गई है। विभिन्न देश देखो रेंडिवू एंड प्रोक्सिमिटी ऑपरेशंस यानी आरपीओ ऑपरेशंस भी चलाते हैं। आरपीओ ऑपरेशंस में क्या होता है, मान लीजिए 800 किलोमीटर की हाइट पर एक सैटेलाइट छोड़ा गया है यूएसए के द्वारा, तो यूएसए एक और सैटेलाइट को छोड़ती है 800 किलोमीटर की हाइट पर ही, ताकि बाद में जो सैटेलाइट छोड़ा गया है वो पहले छोड़े गए सैटेलाइट के पीछे पीछे घूम सके, साथ साथ घूम सके। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये सैटेलाइट यूएसए के द्वारा पहला छोड़ा गया ए, उसके तुरंत बाद दूसरा सैटेलाइट छोड़ा गया बी सैटेलाइट। बी सैटेलाइट क्या कर रहा है, ए सैटेलाइट के साथ साथ घूम रहा है बिल्कुल, और ए सैटेलाइट पे नजर रख रहा है। आप कह सकते हो ए सैटेलाइट की जासूसी कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो आवश्यकता पड़ने पर बी सैटेलाइट जो है वो ए सैटेलाइट के फंक्शंस को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। देखो ये तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए किया जाता है, असल में जब आवश्यकता पड़ेगी तो बड़े देशों के द्वारा सैटेलाइट को छोड़ा जाएगा दूसरे देशों के सैटेलाइट्स की जासूसी करने के लिए। और इस प्रकार की खबरें भी अब आने लगी हैं, जैसे फ्रांस ने आरोप लगाया कि रशिया का एक सैटेलाइट, आप नाम देख सकते हो यहां पर लच ओलिंप, यहां पर देखो, फ्रांस ने रशिया के इस सैटेलाइट पर आरोप लगाया कि रशिया का ये जो सैटेलाइट है लच ओलिंप हमारे फ्रेंको इटालियन मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट की जासूसी कर रहा था। समझ गए, इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया जाएगा, इस ऑपरेशन को नाम दिया जाएगा आरपीओ ऑपरेशन, मतलब रेंडिवू एंड प्रोक्सिमिटी ऑपरेशंस। एक सैटेलाइट के साथ साथ दूसरा सैटेलाइट चलता है, निगरानी रखता है दूसरे सैटेलाइट की, और आवश्यकता पड़ने पर सैटेलाइट के फंक्शंस को भी सबवर्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। विभिन्न देशों के द्वारा ऐसा किया जाता है, ये ऑपरेशंस चलाए जाते हैं लेकिन बताया नहीं जाता। कोई सैटेलाइट छोड़ दिया गया ऊपर, लेकिन ऐसे ही दुनिया को झूठ बोलने के लिए बोल दिया गया कि ये अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है, या फिर ये सैटेलाइट किसी दूसरे पर्पज के लिए है, रिमोट सेंसिंग के लिए है, लेकिन वास्तव में वो जो सैटेलाइट्स होते हैं वो आरपीओ ऑपरेशंस के लिए होते हैं। और ऐसा नहीं है कि इंडिया भी इस प्रकार के काम नहीं करता, इंडिया में भी देखो इस प्रकार के ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, लेकिन नाम कुछ अलग दे दिया जाता है। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, बड़े देशों का फिलहाल जो फोकस है वो साइबर बेस्ड मेथड्स पर है कि बिना किसी वेपन का इस्तेमाल करें दूसरे देशों के सैटेलाइट से डेटा चुराया जाए, उनकी जासूसी की जाए, या फिर उनके ऑपरेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो इसके लिए साइबर स्पेस मेथड्स पर ज़्यादा फोकस है विभिन्न देशों का। तो इंडिया भी जैसा हमने पहले डिस्कस किया, देखो कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा इस दिशा में, लेकिन वास्तव में इंडिया को एक बड़ी स्पेस पावर बनना है तो इस दिशा में और तेज़ी से आगे बढ़ना होगा।
मिशन शक्ति सर्टेनली एक अचीवमेंट है, लेकिन इतनी बड़ी अचीवमेंट मिशन शक्ति नहीं है। तो बड़ी अचीवमेंट तब होगी जब इंडिया इस दिशा में आगे बढ़ता है, आरपीओ ऑपरेशंस, काउंटर स्पेस एक्टिविटीज़, या फिर साइबर मेथड्स की सहायता से दूसरे सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करना, डेटा स्टील करना, उनके ऑपरेशंस को डाइवर्ट करना। तो ये सब आर्टिकल के द्वारा बोला जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल माइग्रेंट्स के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, काफ़ी बार चर्चा होती है कि एनआरआई के लिए यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए वोटिंग देने की जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा आसान होनी चाहिए, ताकि बड़ी संख्या में एनआरआई जो भारत से बाहर हैं वो अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑलमोस्ट 60 मिलियन के आसपास यानी 6 करोड़ के आसपास हमारे देश में माइग्रेंट्स हैं। माइग्रेंट्स मतलब जैसे यूपी का कोई पर्सन, बिहार का कोई पर्सन काम करने के लिए गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, तो वो माइग्रेंट हैं। अब देखो, माइग्रेंट्स के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करना कितना ज़्यादा मुश्किल है वो आप समझते हो। आप मुझे एक बात बताइए, एक माइग्रेंट जो 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये डेली वेजिस के हिसाब से काम करता है, अब वो अपने वेजिस को सेक्रीफाइस करके वापस जाएगा अपने घर, टिकट बुक करवाएगा आने जाने की, और काफ़ी सारा खर्चा होगा, वेजिस का जो लॉस होगा वो अलग, क्या माइग्रेंट ये सब अफोर्ड कर सकता है? देखो, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत ज़्यादा आसान है कि हाँ वोट देने का अधिकार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक माइग्रेंट कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? क्या वोट देने का अधिकार खाने से भी ऊपर है? शायद नहीं। तो माइग्रेंट्स को दोष नहीं देना चाहिए कि उन्होंने अपने वोट देने के अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया, उनकी मजबूरी है, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एसेंस यहाँ पर ये निकलता है, एनआरआई के बारे में बहुत चर्चा होती है कि वो अपने वोट देने का अधिकार का इस्तेमाल करें, लेकिन माइग्रेंट्स के लिए भी तो इस प्रकार की कोई फैसिलिटी होनी चाहिए ना, कोई प्रोविजन होना चाहिए ताकि वो भी अपने वोट देने का अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। आमतौर पर होता क्या है, माइग्रेंट्स जाते हैं दूसरे स्टेट्स में काम करने के लिए। अब बिहार से वर्कर आए, यूपी से वर्कर आए, जहाँ पर भी वो काम करने के लिए आए, गुजरात की किसी सिटी में, महाराष्ट्र की किसी सिटी में, तो उस सिटी के निर्माण में माइग्रेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे माइग्रेंट्स की अहम भूमिका होती है उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में। तो लेकिन फिर भी लोकल पॉलिटिक्स के चलते, जैसे आपको याद होगा गुजरात में एक बच्ची का रेप हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत था, लेकिन सभी माइग्रेंट्स के खिलाफ हमने होने लगे, और एक कैंपेन सा चल गया था गुजरात में कि जो माइग्रेंट्स हैं वो लोकल लोगों की एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं। बाद में बहुत से लोग वापस अपने राज्य बिहार या फिर यूपी में चले गए थे। महाराष्ट्र में ऐसा देखने को मिलता है, तमिलनाडु में देखने को मिलता है, कई राज्यों में पॉलिटिक्स के चलते माइग्रेंट्स के खिलाफ नफरत का माहौल देखने को मिलता है, जबकि माइग्रेंट्स उस स्टेट की, उस सिटी की डेवलपमेंट में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और हमारे संविधान में साफ साफ ये प्रोविजन भी है आर्टिकल 19 के तहत, कोई भी पर्सन कहीं भी मूव कर सकता है, वहां पे सेटल डाउन हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट मांग सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स है, फिर भी माइग्रेंट्स की हरासमेंट होती है। आगे देखो, कुछ वोटिंग टर्नआउट और पॉलिटिक्स से संबंधित पॉइंट्स हैं। जैसे एक एनजीओ है, एनजीओ ने सर्वे किया था कि कितने परसेंट जो माइग्रेंट्स हैं अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। तो कहा यह जाता है कि देखो, लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस में माइग्रेंट्स के द्वारा अपने वोट का इस्तेमाल कम किया जाता है, क्योंकि बड़े इलेक्शंस हैं। लेकिन जब छोटे इलेक्शंस होते हैं पंचायत के, तो पंचायत के इलेक्शन में कोई ना कोई रिश्तेदार खड़ा होता है या अपना सगा खड़ा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो माइग्रेंट्स हैं वो चले जाते हैं वापस अपने घर वोट का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन बड़ा होता है, माइग्रेंट्स का जो वोटिंग टर्नआउट है वो कम होता जाता है। और काफ़ी बार देखो, जो बड़ी कास्ट के माइग्रेंट्स हैं उनके लिए तो टिकट्स अरेंज करवा दी जाती हैं, दूसरा एक्सपेंसेस भी बियर किया जाता है कैंडिडेट्स के द्वारा, लेकिन जो दलित माइग्रेंट्स हैं उनको कहा जाता है आप अपने खर्चे पर आइए और इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कीजिए, ये कास्ट की बात है, आपको अपनी कास्ट के आइडेंटिटी के पर्सन को वोट देना होगा, अपनी कम्युनिटी के कैंडिडेट को जिताना होगा, इस प्रकार की बातें बोली जाती हैं दलित माइग्रेंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोला जाता है, जब देखो कोई माइग्रेंट दूसरे स्टेट में काम करने के लिए आता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए रामलाल बिहार से आया गुजरात में काम करने के लिए, तो शुरुआत में रामलाल को काम मिलना मुश्किल होगा। वो डिपेंड करता है अपने रिलेटिव्स पे, फ्रेंड्स पे, फेलो माइग्रेंट्स पे, एकोमोडेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए,
और वेजेस को नेगोशिएट करने के लिए। तो इस प्रकार से देखो माइग्रेंट्स का ना एक नेटवर्क बन जाता है विभिन्न सिटीज में, और ये नेटवर्क बनता है रीजन के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, गांव के आधार पर, कास्ट आइडेंटिटी के आधार पर। जैसे दलित माइग्रेंट्स का एसोसिएशन देखने को मिलता है मुंबई में, नाम है जैसवर विकास संघ। उसी प्रकार से दूसरी आइडेंटिटीज के आधार पर भी कई सारे माइग्रेंट्स की ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं, और माइग्रेंट्स जो हैं उनके लिए सिविक फैसिलिटीज, सिविक एमिनिटीज प्रायोरिटी नहीं होती, जैसे पानी आ रहा है, सैनिटेशन है या नहीं है। नहीं, जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए बड़े इश्यूज प्रायोरिटी रखते हैं, जैसे काम मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, महंगाई कितनी है, गरीबी से हम ऊपर उठ पा रहे हैं या फिर नहीं उठ पा रहे हैं। और दलित माइग्रेंट्स जो हैं उनके लिए फोकस होता है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, क्या उन पर अत्याचार हो रहा है, क्या कास्ट के नाम पर उनके साथ भेदभाव हो रहा है, क्या उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है। दलित माइग्रेंट्स ये सब चीज़ें बहुत देखते हैं। दलित माइग्रेंट्स उस पार्टी को वोट देना ज़्यादा पसंद करते हैं जो पार्टी उनकी आवाज़ को उठाती है। जैसे देखो एक फेमस लाइन है, यादव रहते हैं समाजवादी पार्टी के साथ, राजपूत अलाइन करते हैं बीजेपी के साथ, तो दलित माइग्रेंट्स का कहना है हमको एक्सप्लोइट किया जाता है, हम और कहीं नहीं जा सकते, हमारा स्थान जो है वो है सिर्फ बीएसपी के साथ। तो ये राइटर के अपने विचार हैं। डेवलपमेंट के नाम पे वैसे वोट देना चाहिए, कास्ट या फिर कोई भी दूसरी आइडेंटिटी है उसको नहीं देखना चाहिए। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो देश को आगे ले जा सकती है, विकास कर सकती है, सोशल फैब्रिक को मेंटेन कर सकती है, उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहिए। और लोग ऐसा कब करेंगे, लोग ऐसा तब करेंगे जब आएगी समाज में जागरूकता, जब आएगी समाज में अवेयरनेस। और वो कौन लेके आएगा, वो लेके आओगे आप लोग। जीवन में कुछ भी हो लेकिन आप ये काम जरूर कीजिएगा। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने तीन इश्यूज पे फोकस किया। कौन कौन से तीन इश्यूज पे फोकस किया? सबसे पहले तो देखो हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, एनआरसी का इशू, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का इशू। दूसरे नंबर पे हमने काउंटर स्पेस एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस किया, और तीसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया माइग्रेंट्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।